नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आज आपको बताऊंगा एक ऐसे कड़वे सच को जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज मैं बताऊंगा कि कैसे डॉक्टर और दवाई बनाने वाली कंपनियों के बीच में होती है सांठगांठ, जिसके जरिए वो आपके बैंक अकाउंट पर सेंध लगाते हैं। डॉक्टर, जिन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, दोनों कैसे पैसा कमाने की इस होड़ में आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। एक जांच के दौरान मुझे पता चला कि कैसे दवाइयां बनाने वाली कंपनियां बहुत कम उत्पादन लागत की दवाइयों को 10 से 100 गुना कीमत पर बाजार में बेच रही हैं। एक गरीब आदमी जो उन दवाइयों को अफोर्ड कर सकता है, केवल ब्रांड की कीमत होने की वजह से वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। दोस्तों, भारत जैसे देश में 65% से अधिक लोग ऊंची कीमत होने के कारण दवाइयों के अभाव में जीवन में समस्या का सामना करते रहते हैं, अपनी बीमारियों से लड़ते रहते हैं, और कई बार तो बीमारियों से लड़ते लड़ते वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। और ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि वो व्यक्ति उस दवाई को खरीद सकता था क्योंकि वो दवाई वास्तविक मूल्य पे बहुत कम थी, वो केवल इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि वो ब्रांड को पे नहीं कर सकता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज जेनरिक दवाइयों के माध्यम से बहुत कम मूल्य में कर सकते हैं? क्या है ये जेनरिक दवाई, ये कैसे काम करती है और ये कहाँ उपलब्ध होती है? क्या है ये जेनरिक दवा, आइए पहले इस बात को समझते हैं। जेनरिक दवा किसी भी दवाई का मूल सॉल्ट होता है, मतलब उसका वैज्ञानिक नाम होता है जिस नाम से वो दवाई बनाई जाती है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग जेनरिक दवाइयों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनका विश्वसनीय डॉक्टर हमेशा उनको जेनरिक दवाई का सॉल्ट नहीं, वो उस ब्रांड का नाम लिखता है जिस ब्रांड के साथ उस डॉक्टर का पैकेज या टाई अप होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को बहुत अधिक लाभ होता है। आपने भी एक एहसास किया होगा कि लगभग सभी डॉक्टरों की लिखाई यानी लिखावट कुछ इस तरह की होती है कि एक सामान्य आदमी उसको आसानी से नहीं पढ़ सकता। उसको पढ़ने के लिए या तो मेडिकल की जानकारी या मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति ही उस दवाई का नाम पढ़ सकता है, क्योंकि आपका डॉक्टर कभी भी दवाई का सॉल्ट यानी उसका जेनरिक नाम नहीं लिखता। डॉक्टर हमेशा उस ब्रांड का नाम लिखता है जिस ब्रांड की दवाई वो आपको दिलाना चाहता है। इस बात को उजागर करने के लिए आमिर खान ने भी सत्यमेव जयते कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया और लोगों ने इस मुद्दे को बहुत अधिक सराहना दी। बहुत सारी जांच एजेंसियों द्वारा इस बात का भी खुलासा किया गया कि डॉक्टर और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के बीच सांठगांठ होती है। मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR जो होते हैं, वो डॉक्टर के साथ मीटिंग फिक्स करते हैं और उनको बहुत अधिक कमीशन और पैकेजेस ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर भी आय कमाने के उद्देश्य से, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के उद्देश्य से पेशेंट्स के लिए ब्रांड का नाम रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर द्वारा लिखे गए मेडिसिन के ब्रांडेड नाम को जब एक पेशेंट खरीदता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, मेडिकल स्टोर दोनों को होता है, साथ ही साथ उसका बहुत बड़ा इंसेंटिव या कमीशन डॉक्टर को भी जाता है। आपने अपने जीवन में कई बार एक अनुभव किया होगा, आपका डॉक्टर जो दवाई लिखता है वो दवाई उसके साथ वाले या पास वाले मेडिकल स्टोर पर मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि वो दवाई दूर दूर तक कहीं नहीं मिलती, वो केवल और केवल डॉक्टर के पास वाले मेडिकल स्टोर पर मिलती है, क्योंकि मेडिसिन कंपनी का जो MR है उसने वो नाम रिकमेंड करने के लिए डॉक्टर के साथ कमीशन सेट किया है, और जैसे ही आप वो दवाई खरीदते हैं तो उसका इंसेंटिव कमीशन डॉक्टर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ब्रांडेड दवाई या जेनरिक दवाई मूल रूप से दोनों एक ही होती है, मतलब उनका जो सॉल्ट है, उनका जो इंग्रेडिएंट है, वो दोनों में सेम होता है। केवल ब्रांडेड दवाई ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाकर उसकी मार्केटिंग, उसका प्रमोशन, उसका कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसकी कीमत को बहुत अधिक बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को भी लगता है कि ये दवाई मेरे लिए बहुत कारगर है, और अगर दवाई वही कोई और रिकमेंड कर दे तो उसको लगता है सस्ती दवाई है, शायद उतना असर नहीं करेगी। ये भी एक जागरूकता, हमारे लोगों के बीच में इस जागरूकता का अभाव है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से भी इस बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे। पैरासीटामोल एक नॉर्मल पेन किलर है, लेकिन पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है। इस नेम से बहुत सारी कंपनी ब्रांडेड दवाई बनाती हैं, जैसे क्रोसिन, जैसे डोलो, और बहुत सारी कंपनी अलग अलग नाम से इस पैरासीटामोल के सॉल्ट को दवाई के रूप में बेचती है। पैरासीटामोल 1 रुपए की आती है, लेकिन बहुत सारी ब्रांडेड दवाई 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए तक आती है। इसका मतलब दोनों का सॉल्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ब्रांड का। और डॉक्टर भी जब रिकमेंड करता है तो वो पैरासीटामोल ना लिखकर आपको क्रोसिन या डोलो लिखता है।
इसका मतलब उसको पता होता है कि एक ब्रांडेड दवाई है। दोस्तों जेनरिक और ब्रांडेड दवाई के बीच कंपैरिजन करते समय जिनको हम सॉल्ट नेम से कंपेयर कर रहे थे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता चला। कैंसर के पेशेंट को दी जाने वाली दवाई, एक महीने की जो दवाई बनती है वो 1,50,000 रुपये से लेकर 1,75,000 रुपये की ब्रांडेड दवाई होती है, और वही दवाई जब जेनरिक सॉल्ट के साथ ली गई तो उसकी कीमत 6,500 रुपये से लेकर 8,500 रुपये हुई। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है एक जेनरिक दवाई और एक ब्रांडेड दवाई के मूल्य में। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि 45,000 से ज़्यादा जेनरिक दवाई भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं, और वहाँ पर वो दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के नाम से रीपैक होके भारत में आती हैं और बहुत अधिक कीमत पर लोगों तक पहुंच पाती हैं। इसका मतलब अगर हम ये समझ जाएं कि जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई का जो मूल सॉल्ट है वो क्या है, तो हम बहुत कम कीमत पर अपनी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं। ये कितना बड़ा गंभीर मुद्दा है कि इस पर भारत सरकार को भी अपना नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डॉक्टर्स को ये निर्देश दिया है कि आप दवाई का ब्रांड नहीं उसका मूल सॉल्ट लिखेंगे, यानी उसका जेनरिक नाम लिखेंगे, ताकि पेशेंट अपनी इनकम के आधार पर, अपनी खर्च करने की क्षमता के आधार पर किसी भी ब्रांड की दवाई को जिसे वो आसानी से अफोर्ड कर सकता है वो ले सके। भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है, वहाँ पर 98% दवाइयाँ ब्रांडेड बेची जाती हैं और केवल 2% हिस्सेदारी जेनरिक दवाइयों की है। यदि जेनरिक दवाइयों का ठीक तरीके से प्रचार और प्रसार भारत सरकार द्वारा या एनजीओस द्वारा किया जाए तो इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाएगी और लोगों के स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार भी आएगा। लोगों की सुविधा के लिए भारत सरकार के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आप कॉल करके उस सॉल्ट से संबंधित जेनरिक दवाई का नाम और उसका मूल्य जान सकते हैं, और वो दवाई कहाँ उपलब्ध हो सकती है इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। दवाइयों की महंगी कीमत के चलते कई बार ये भी देखा गया है कि एक गरीब व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचकर या कर्जा लेकर दवाइयों से अपना इलाज करवा भी लेता है, लेकिन पूरी जिंदगी उस कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। इसीलिए जरूरत है सही जागरूकता की। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दवाई सस्ती मिले तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना है कि सर मुझे कंपनी का ब्रांड नेम नहीं, आप मुझे उसका जेनरिक नेम लिख कर दें या उस दवाई का सॉल्ट लिख कर दें, ताकि मैं अपने बजट के आधार पर उस दवाई को खरीद सकूं और अपनी बीमारी का इलाज करा सकूं। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हर व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही साथ ये वीडियो अपने डॉक्टर को भी शेयर करें ताकि उसको भी पता हो कि आप भी जेनरिक दवाई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और ये वीडियो जब आप किसी को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उसके परिवार में उसकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो अन्य दवाइयों पर खर्च हो रहा है वो उस खर्चे को बचा सके और उसका प्रयोग अपने परिवार के विकास के लिए और उन्नति के लिए कर सके। जब हर घर में स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी देश भी स्वस्थ होगा, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी ज़रूर दें, और यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा मेडिकल स्टोर है जो जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराता है तो उसकी जानकारी भी कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि किसी भी व्यक्ति को वो जानकारी चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको आसानी से देख सके और जेनरिक दवाई खरीद सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।